से मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क में गरीब को मजदूर को जीने का हक दो और ये जालिमाना इकदाम जो है वापस लो, और वगरना इस मुल्क की सलामती को मतलब ये है कि खतरात ना होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं फ्लाई न्यूज। सांगर से रिपोर्ट शामिल करते हैं अहमद खान खबर की। मुल्क भर की तरह सांगर में भी बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, अफरा तफरी का बाजार गर्म है, निगरान हुकूमत भी टस से मस नहीं हुए। सांगर में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के तफील राजपूत, आदल कासिम, जब्बार जुनेजो और दीगर ने निगरान हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे बाजी करते हुए कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर रखा है। गरीब महंगाई कर्ज की चक्की में पिस रहा है और अशराफिया गरीबों का तमाशा देख रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों में डबल टैक्स लगाए गए हैं। लोग बच्चों और बच्चियों के ख्वाहिशात, खिलौने, सोने के जेवरात फरोख्त करके बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर है। साबिका पीडीएम हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत दोनों आवाम दुश्मन हुकूमतें साबित हुई, जिन्हें 25 करोड़ आवाम का ख्याल तक नहीं है। साबिका वजीर खजाना इसहाक डार की गलत फैसलों की वजह से चीनी इंपोर्ट करके 85 रुपए फरोख्त करने वाली चीनी 170 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। हुक्मरानों ने गरीब के मुंह से निवाला और बिजली की सूरत में रोशनी छीन ली। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो मुल्क में खाना जंगी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अवाम 2 किलो आटे के थैले के लिए एक दूसरे को मार रही है। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई का फुल फोर नोटिस लिया जाए।